ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका, खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मी अजय भिवसाने आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आजच्या आपल्या कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या मराठी एपिसोडमध्ये। तर चला बघूया आजच्या काही नवीन आणि ठळक घडामोडी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। कोरोनाच्या या प्रसंगामध्ये आपण अजूनही जगत आलो आहोत आणि किती जगणं कठीण आहे हे आपल्याला माहितच आहे, याची आपली कल्पना आहेच। पण असे काही लोक आहेत जे अजूनही मास्कचा उपयोग करत नाही। मास्क न लावण्यामुळे आपल्यालाच नाही तर आजूबाजूच्यांना पण कोरोनाचा त्रास सहन करावा लागतो। तर यावरच नगरपालिकेने आणि पोलीस प्रशासनाने मिळून जे मास्क न लावणाऱ्यावर 500 रुपये दंड आणि कारवाई करण्यात येणार आहे। तर चला बघूया यावर एक खास रिपोर्ट। सर, उल्हासनगर महानगरपालिका द्वारा जो भी व्यक्ति कोविड के चलते जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर कुछ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, कि कईयों के ऊपर गुनेह भी दाखिल हुए, तो किस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही है और सभी प्रभाग समिति किस प्रकार से इस पर काम कर रही है? शहर में जो भी नागरिक है जो अपने काम से बाहर निकलते हैं या दुकानदार है उनको मास्क पहनना कंपलसरी है, इसके बारे में कमिश्नर साहब ने ऑर्डर भी दिए है। और जो आदमी मास्क नहीं पहनता उसको 500 रुपये फाइन का प्रावधान है। तो संडे से हमने महानगर पालिका और पुलिस विभाग ये कमिश्नर साहब के आदेश से जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके खिलाफ कार्रवाई करना चालू किया है। तो जो भी नागरिक और दुकानदार मास्क नहीं पहनते उनको 500 रुपये दंड वसूल किया जा रहा है और संडे से लेकर आज तक तकरीबन 60,000 रुपये दंड इस तरह वसूल किया गया है। तो फिर आगे अब जनता को क्या एक अपील करना चाहेंगे? तो मेरी सभी जनता को रिक्वेस्ट है कि जो कोरोना है उसका फैलाव देखते हुए मास्क पहनना जरूरी है। तो जब भी घर से बाहर निकले, दुकान में जाए, दुकानदार को रिक्वेस्ट है दुकान में रहे, उस वक्त उन्होंने मास्क कंपलसरी पहनना है। नहीं पहनेंगे तो महापालिका तरफ से जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र राज्य शासनाने उल्हासनगर महानगरपालिकेला 8 ते 10 ॲम्ब्युलन्स देण्यात आले होते, पण ते उद्घाटनाच्या अभावी धूळ खात आहे। तर यावरच भाजपाच्या काही कार्यकर्त्यांनी मिळून यावर केला विरोध। तर चला बघूया एक खास रिपोर्ट। एम्बुलेंस धूल खा रही है, सरकार सो रही है, एम्बुलेंस धूल खा रही है। उल्हासनगर महापालिकेला एक ॲम्ब्युलन्स 8 ते 10 ॲम्ब्युलन्स देण्यात आलेले आहेत, पण ते आजपर्यंत त्यांनी रस्त्यावर दिसल्या नाही। मग मी इकडे आल्यानंतर मला लक्षात आलं की ॲम्ब्युलन्स इथे उभे आहेत। तर त्याची माहिती आम्ही जेव्हा सगळ्यांकडनं घेतली तर सगळ्यांनी ही माहिती दिली की जोपर्यंत मोठे नेते या ठिकाणी येऊन हे करणार नाही, उद्घाटन करणार नाही, उद्घाटन सोहळा करणार नाही, तोपर्यंत आम्ही हे ॲम्ब्युलन्स रस्त्यावरती लोकांसाठी आणणार नाही। आज लोकांचे एवढे हाल होतात आहे, लोकांकडनं प्रायव्हेट सेक्टरच्या जेवढ्या ॲम्ब्युलन्स आहे फक्त 1/2 किलोमीटर जायचे, 4,500, 5,000, 2,000 छोट्या छोट्या जागेतनं छोट्या हॉस्पिटलमध्ये न्यायचे घेतात आहे। आणि आपल्या सरकारने एवढा मोठा खर्च करून ह्या ॲम्ब्युलन्स घेतल्या त्याचे धूळ खात पडलेले आहेत। तर मी सरकारचा निषेध करतो आणि मुख्यमंत्र्यांना आणि आमच्या पालकमंत्र्यांना आवाहन करतो की साहेब कृपया करून आमच्या गरिबाची जाणीव करून ही ॲम्ब्युलन्स लवकरात लवकर रस्त्यावर आणावी। सरकार जागो जागो, दिन से जागो, दिन से जागो, सरकार जागो, सरकार जागो, दिन से जागो, दिन से जागो। ये सांकेतिक मरीज है, ये हमारा मरीज है और ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस इंतजार कर रही है नेता का और ये मरीज इंतजार कर रहा है एम्बुलेंस का। ऐसे स्थिति में अगर हम देख रहे हैं कि ये एक महीने से एम्बुलेंस यहाँ पर धूल चाट रही है और किसी तरह से लोगों को उल्लासनगर से अकेली आई हुई है 9 एम्बुलेंस, उसका फायदा उल्लासनगर के जनता को नहीं मिल रहा। सांकेतिक पेशेंट क्या पूरे
उल्लासनगर किस तरह से करोगे, इस पेशेंट की तरह से लोग मरेंगे और एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहेगी। सरकार जागो, सरकार जागो। हम लोग सांकेतिक इस एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हैं और लोकार्पण करते हैं, क्योंकि क्यों खड़ी है इसका हमें पता पड़ा। इसलिए खड़ी है कि कोई बड़ा नेता आने वाला है और इसका लोकार्पण करेगा। अरे नेता आएगा आएगा, जब देखेंगे। आज हम जनता के फायदे के लिए इन्हीं एम्बुलेंस का लोकार्पण करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, और ये कल से सारी एम्बुलेंस सरकार को सांकेतिक आंदोलन के स्वरूप में ये चेतावनी दे रहे हैं। उद्घाटन का कारण ये है कि हमारा उद्घाटन आपका उद्घाटन हो और इस एम्बुलेंस का फायदा जनता का हो, इसीलिए नारियल फोड़कर आज ये एम्बुलेंस हम का उद्घाटन करते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। या संदर्भात उल्हासनगर सत्ता पक्षाचे शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांची प्रतिक्रिया, तर चला बघूया। परंतु शासनाने दिलेल्या या रुग्णवाहिका पण सेवेत आल्या पाहिजेत आणि त्या सेवेसाठीच आपल्याला शासनाने दिलेल्या आहेत, ही भूमिका शिवसेनेची नेहमीची आहे, ती भूमिका आजही आमची ठाम आहे। विरोध केला आहे की सत्ताधाऱ्यांचा नेता मोठा येत नाही तोपर्यंत उद्घाटन होणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे। त्यांनी औपचारिकरित्या उद्घाटन केलेलं आहे नाही, उद्घाटन करणं वगैरे हे त्यांचं, ते आता कुठे काय राहिलेलं नाही बीजेपीचं। त्यांना तो स्टंट करायचा आहे, तो स्टंट करण्याचा प्रयत्न ते करतात, हे पूर्वी शिवसेना करत होती, ते स्टंट आता शिवसेनेचं युतीमध्ये त्यांनी शिकून घेतलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने ते स्टंट करतायत, ते त्यांचा तो त्यांचा प्रकार भाग आहे। परंतु आमच्याकडे कुठलाही नेता येणार नाही आणि कुठल्या नेत्याच्या हाताने जर उद्घाटन करायचं असतं तर आजकाल तुम्हाला माहिती आहे की ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन होत आहेत, मुख्यमंत्री स्वतः अनेक उद्घाटनं ऑनलाईन करतायत। नेत्याला वेळ नाही आणि नेता यायलाच पाहिजे अशी काही गरज नाही, ऑनलाईन पद्धतीने नेत्याने जर उद्घाटन करायचं असतं त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलं असतं। परंतु खरी परिस्थिती ड्रायव्हरची आहे, 30 ड्रायव्हर आपल्याला तिथे लागणार आहेत, ते 30 ड्रायव्हर 2 दिवसात माननीय आयुक्त साहेब उपलब्ध करतायत आणि 2 दिवसात आम्ही त्याचं उद्घाटन करू आणि लोकांना उद्घाटन न करता आम्ही लोकांच्या सेवेत चालू। आम्ही रुग्णवाहिका दिल्यात, शासनाने दिल्यात, लोकांना माहिती आहे उद्घाटन करायचे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगरपालिकेचे शासकीय कार्यालयांची दुरवस्था असून मोठ्या दुर्घटना होण्या अगोदरच तिथली काळजी घ्यावी आणि तिथली दुरुस्ती करावी, कारण हालीच झालेल्या भिवंडीमध्ये इमारत कोसळल्यामुळे 39 लोकांचा मृत्यू झालाय, तर अशी दुर्घटना होण्या अगोदरच काळजी घ्यावी। तर चला बघूया यावर एक खास रिपोर्ट। शहर में जो सबसे खतरनाक और सबसे धोखादायक जो मुद्दा है वो शहर की धोखादायक इमारतें। शहर में कई बार हादसे हो चुके हैं और ऐसे में कई लोगों ने इन हादसों में अपनी जानें भी गंवाई है, जिसके बाद प्रशासन ने जो है कई इमारतों को धोखादायक घोषित करके उन पर कार्रवाई भी की है और कई जगहों को जो है खाली भी करवाया है। ऐसे में हम अक्सर आपको बताते आ रहे हैं कि जिस तरीके से शहर में जो कि धोखादायक इमारतें हैं तो उसी के साथ ही जो प्रशासनिक कार्यालय हैं उनकी भी हालत खस्ता है। ऐसे में हमने उल्हासनगर महानगर पालिका की आपको तस्वीर बताई थी किस प्रकार से उल्हासनगर महानगर पालिका में ऊपर ऊपर से जो है कैबिन्स को रेनोवेट कर दिया जाता है, लेकिन अंदरूनी जो कि मजबूती होती है इमारत की वो जर्जर होते जा रही है। ऐसे में और भी जो कि शासनिक कार्यालय हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, जिसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है किसी भी वक्त अगर स्लैब गिरने की घटना हो जाएगी। ऐसे में जो है यहाँ पर नागरिक भी आते हैं अपने कामों को कराने के लिए, शासकीय कार्यों को कराने के लिए, तो उनके साथ भी जो है बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर जो है खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में एक तस्वीर और सामने आई उल्हासनगर कैंप क्रमांक 3 के उल्हासनगर महानगर पालिका के प्रभाग समिति 2 के बाहर हम इस समय मौजूद हैं, और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस प्रभाग समिति के अंदर की जो परिस्थिति है, जो इमारत है वो किस तरीके से जर्जर हो चुकी है, ऊपर से जो है लीकेजेस साफ नज़र आते हैं, तो कई जगहों पर जो है सलिए नज़र आने लगे हैं जो कि किसी भी वक्त यहाँ पर स्लैब गिर सकते हैं। तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि ऊपर का जो एक मलबे का हिस्सा जो है वो गिरा भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम प्रशासन से यही बात कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से शहर में जो धोखादायक इमारतें हैं उसके लिए संरक्षण जो कि प्रशासन कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं अपने शासकीय कार्यालय में जो कि कर्मचारी काम करते हैं और नागरिक जो कि कामों के लिए आते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है इन कामों को पूरा किया जाए, यानी कि जो इमारतें हैं उन्हें मजबूत करने की प्रक्रिया जो है की जाए। बहरहाल जब इस प्रभाग समिति में हमने ये तस्वीरें देखी और ये हालात जब देखे, तो हमने जब बात की प्रभाग अधिकारी से तो ये सुनने को मिला, ये कहने को ये उन्होंने कहा कि एस्टीमेट जो है दिया गया है इसको रेनोवेट करने का, यानी कि इसको बनाने का, लेकिन अब तक जो है वो पास नहीं किया गया है। काफ़ी लंबे समय से जो है ये रेनोवेट का जो कि प्रस्ताव था वो रुका हुआ है, आखिरकार जो है जल्द ही अगर पास होता है तो यहाँ पर दुरुस्ती की जा सकती है। ऐसे शहर की कई और प्रशासनिक कार्यालय है जहाँ पर जो है इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं,
तो यही हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि शहर की इमारतों के साथ साथ जिस तरीके से जो कि कार्रवाई की जाती है, उनकी संरचना की जाती है, तो उसी की तरह जो है जो शासकीय कार्यालय है उन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, जो नागरिक वहाँ पर आते हैं, वो सुरक्षित हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर खेमानी परिसरात रस्त्याची दुरवस्था, काही महिन्यांपूर्वी तिथे एक दुर्घटनासुद्धा घडली होती, तिथे एक मुलीचा मृत्यू देखील झाला होता, पण अजूनही त्या रस्त्याची अवस्था काही सुधरलेली नाही, तो रस्ता अजूनही तसान तसाच आहे। तर यावरच बघूया एक खास रिपोर्ट। पुरानी याद ताज़ा कराने के लिए आज इस खबर को गौर से सुनिएगा। सत्ता बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या होती है वो सिर्फ समस्या रह जाती है, फिर समय कैसा भी हो। एक समय पहले आपने जब सुना था एक हादसे के बारे में कि जो खेमानी परिसर है वहाँ पर जो एक हादसा हुआ था, एक डॉक्टर थी, युवती थी, जो कि सड़क दुर्घटना में रास्ते के गड्ढे के कारण जो है स्लिप होने से, डंपर के नीचे आ जाने से उसकी जान चली गई थी, उनके पिताजी भी उनके साथ थे। काफ़ी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, काफ़ी इसका जो है निंदा भी की गई थी। काफ़ी लंबा समय भी इसको हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा सत्ता बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या है वो त्यों की त्यों होती है। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो बात मैं कर रहा हूँ, जो हादसा मैं आपको बता रहा हूँ उसे कितना समय हो गया, लेकिन यहाँ पे आप परिस्थिति देख सकते हैं। मैं ठीक उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ था और जो है जान उस युवती ने गंवाई थी। इसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से राजनीतिक एक माहौल जो है जमा दिया गया था शहर में, कैंडल मार्च किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो छोड़िए, इस रास्ते को जो है अब तक नहीं बना पाए। तो ये एक मोटा मोटी बात होती है कि शहर के कई जगहों पर आप अक्सर देखते होंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शहर के रास्तों की हालतें बताते रहते हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता। नागरिक ये भी कहने लगते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लोकतंत्र में एक आम इंसान की ताकत काफ़ी बड़ी होती है। आपकी गलती ये होती है कि आप जो है जो गलतियाँ देख रहे हैं, जो समस्या देख रहे हैं, इसके बारे में कभी शिकायत प्रशासन से नहीं करते। आप इन्हीं रास्तों में दिन भर चले जाते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं और आप जो है फिर उसी रास्ते से रोज़ाना आते जाते रहते हैं और ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि अब जो है ज़माना बदल चुका है, आपको जो है लिखित में शिकायत करने के लिए जाना नहीं पड़ता। जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसका आप उपयोग जो है नहीं करते, आप अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराते। आप जो है अपनी शिकायतें जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रशासन जो है यूं ही लापरवाह रहेगा। और अक्सर जब प्रशासन से हम बातचीत करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रास्तों की परिस्थिति क्यों जो है बदल नहीं रही है, तो उनका कहना ये रहता है बरसात के समय में जो है ठीक से रास्ते का काम नहीं होता। लेकिन ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बरसात के पहले ही जो है शहर के रास्तों की दुरुस्ती की जाए या फिर शहर के जो पुराने रास्ते हैं उनको जो है सीसी बनाया जाए, लेकिन ऐसा प्रस्ताव जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है या फिर देखने को नहीं मिलता, जिसके वजह से यह होता है कि शहर में अभी भी जो है रास्तों की हालत खस्ता है, दुर्घटनाएँ होती रहती है। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो कि एक हादसे के बाद जब राजनीतिक स्टंट उसे किया जाता है, तो उस राजनीतिक स्टंट को ना करते हुए अगर अपनी जिम्मेदारियों को और जनता की परेशानियों को समझकर आप उन कार्यों को करेंगे तो वो पूरा होगा। बहरहाल उस हादसे को हमने आपको याद दिलाया है, शायद आप भूल गए होंगे लेकिन बताने के बाद आपको याद आ गया होगा, लेकिन अब भी इस रास्ते की परिस्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आता उल्हासनगर शहरात हे सिग्नल चालू करण्यात आले आहेत। हे सिग्नल तीन ठिकाणी चालू करण्यात आले आहेत, 17 सेक्शन, शिवाजी चौक आणि फॉरवर्ड लाईन येथे। तर चला बघूया यावर एक खास रिपोर्ट। उल्हासनगरमध्ये आपण तीन ठिकाणी सिग्नल व्यवस्था चालू करतो आहोत। एक आपलं शास्त्री चौक आहे, दुसरं शिवाजी चौक आणि तिसरं फॉरवर्ड लाईन। सिस्टीम बसलेली आहे, या दोन चार दिवसामध्ये आम्ही टेस्ट घेतो, लोकांना पण जास्त माहिती नाही आहे, त्यामुळे लोकांना अवेअर होणं, त्यांना माहिती होऊ देणं आणि त्या पद्धतीनं आमचे जे कर्मचारी आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना पण त्या ठिकाणी थांबवून, कारण बऱ्याच दिवसापासून आपल्याकडे सिग्नलची व्यवस्था नव्हती, त्यामुळे लोकांना इतकी पद्धत माहिती नाही आहे, त्याच्यामुळे आपण दोन चार दिवस टेस्ट घेतो, त्याच्यानंतर रेग्युलरली सिग्नल व्यवस्था। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर शहरात पाण्याचे पाईपलाईन फुटल्याने हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे। तर यावर प्रशासनाने पाण्याच्या पाईपलाईनकडे लक्ष द्यावे आणि त्या पाण्याच्या पाईपलाईन लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी, अशीच लोकांची मागणी आहे। तर चला बघूया यावर एक खास रिपोर्ट। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते आ रहे हैं कि शहर में किस प्रकार से पाइपलाइन की लीकेज होने के कारण हजारों लीटर पानी जाया होता है।
शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी छोड़े जाने के समय ये नज़ारे नज़र आते हैं। हजारों लीटर पानी यूं ही ज़ाया हो जाता है, लेकिन इन पर दुरुस्ती का कार्य नहीं किया जाता। पानी की पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से और प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती है। शहर की विभिन्न जगहों पर जहां पर रास्तों की हालत ख़राब है, उसमें से एक महत्वपूर्ण वजह ये भी है कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे भी हो जाते हैं। इसको प्रशासन रिपेयर भी करता है, लेकिन पानी की लीकेजेस होने की वजह से रास्तों में गड्ढे हो जाते हैं। कई बार प्रशासन से निवेदन किया है कि शहर के इन ख़राब पाइपलाइनों को, जो कि पूरी तरीके से जंजर हो चुकी है और लीकेज है, उसे दुरुस्त किया जाए, वरना आने वाले समय में कई जगहों पर पानी की किल्लत देखने को मिल सकती है, जो कि अब भी शहर के कई इलाकों में देखी जा सकती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कईयों को लगता है कि कोरोना जो बीमारी आई है, COVID-19, ये शायद संसार को खत्म करने के लिए आई है। नहीं, उसे अगर ख़त्म करना ही होता तो एक सेकंड में ख़त्म कर सकता था, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। हमें शिक्षा देने के लिए ये बीमारी आई है, हमें ज्ञान देने के लिए बीमारी आई है, हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये बीमारी आई है, हमारा अहंकार ख़त्म करने के लिए ये बीमारी आई है। जो लोग समझते थे कि माया सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, आज उनके पास चाहे कितना भी पैसा है, किसी काम का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम समझते थे कि हमारी बहुत ताकत है, बहुत अप्रोच है, हमारी साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोग भगवान को मानना भूल चुके थे। आज डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में आपको कितने वीडियोस मिलेंगे कि डॉक्टर्स भी खड़े होकर प्रे कर रहे हैं कि भगवान तो कुछ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज हमें एहसास हुआ है कि जानवर पिंजरे में कैसा फील करते हैं, जब हम अपने घर में नहीं बैठ पा रहे टिककर, तो जानवरों को पिंजरों में कैद करके हम रखते हैं, किससे कैसे कैसे तसीहे देते हैं हम उन्हें। अपनी गलतियों का एहसास अब हमें हो रहा है। मुझे उम्मीद है, देखिए वो सृष्टि का मालिक तो माफ करने के लिए बैठा है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, बाबा नंद सिंह जी, कि तेरे ढहने में देरी है, तेरी माफी मांगने में देरी है, उसके माफ करने में देरी नहीं है। पर कोई माफी मांगने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम है कि माफ कर दे, आगे से ये काम नहीं करेंगे। अगर उसने COVID-19 ठीक कर दिया, उसके बावजूद भी हम यही सब करते रहे जो करते आए हैं, तो उसके बाद जब कोई बीमारी आएगी तो वो नहीं ठीक करेगा। फिर बात समझने की कोशिश कीजिए सत्संगत जी। मैं मानता हूं कि ये जो सुनने वाले हैं अमृतलाल ट्रस्ट की संगत, जो पूरा उल्लासनगर या पूरी दुनिया जो भी इस वक्त सुन रही है, सब इन बातों को फॉलो नहीं करते, पर गुरु मेहर करे उन सब तक ये बातें पहुंचाइए। सबसे पहले तो नॉनवेज खाना का प्रण कीजिए कि आज के बाद नॉनवेज नहीं खाएंगे। किसी ने सवाल पूछा था कि आपने मांस खाने से मना किया, अंडा खा सकते हैं? दास वीडियो शेयर करेगा एक बाद में फेसबुक पे, इसी अकाउंट पे जिस पे आप लाइव देख रहे हो, जिस पे आप देख के हैरान हो जाओगे कि जो अंडा जिसे आप वेज समझते हो, एग, कितने तसीहे देकर मुर्गियों को ये अंडे प्राप्त किए जाते हैं, आप अंडा खाना भूल ही जाओगे। ये अपने मन को समझाओ, ये छोटे छोटे बहाने मत ढूंढो। इतना कुछ भगवान ने दिया है, डॉक्टर के कहने पर शक्कर तक छोड़नी पड़ जाती है, नमक तक छोड़ना पड़ जाता है, भगवान के कहने पर एक नॉनवेज तो छोड़ दो यार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर ह्या होत्या आजच्या आपल्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा एकदा भेटूया नवीन घडामोडीसोबत। तोपर्यंत आपल्याकडे काही व्हिडिओज असतील तर आम्हाला शेअर करा आणि आमच्या कोणार्क न्यूजला सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका। तोपर्यंत मी घेतो आपली रजा, धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।